अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इसका हाल इसी से पूछते हैं। हाँ जी, मैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे क्या होने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी खाना वाना खाया और बहुत फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ। तो अभी है जी 4:30 का टाइम और हमने आज आपसे करनी है एक जरूरी डिस्कस, जिसके पीछे भाई पूरा जमाना लगा हुआ है। आपको नहीं पता? मुझे तो नहीं पता। आप समझ जाएं वो कौन सी डिस्कस है। आई थिंक वॉशरूम। क्या बात है, क्या असल में ना मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। क्या, मुझे भी बता। अब इस घर में होना है शिफ्ट, वॉशरूम वाली कहानी बयान करने चाह रहा हूँ। वॉशरूम वॉशरूम वॉशरूम, उसके पीछे अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास वॉशरूम का बजट नहीं है, क्योंकि अगर हम छत के बगैर वाला वॉशरूम बनाते हैं तो फिर वो थोड़ा इशू बन जाता है। ताकि सारी बात इधर उधर गा रहे हैं ना, तो लोग छतों पे भी होते हैं, फिर मसला बन जाता है। तो वॉशरूम की ये कहानी है कि जहन में हर वक्त वॉशरूम ही चल रहा है, लेकिन वॉशरूम के भाई बजट शजट नहीं है। जब आया तो फिर बनेगा ना। मैंने तो कहा है भाई आप ऐसा करें, फिल वक्त ऐसे ही बना लें वो बिना छत वाला, तो फिल वक्त मतलब कंप्रोमाइज कर लेंगे कुछ दिन, फिर पता करते हैं हम के अगर जो हमारे पास थोड़े बहुत बचे खुटे पैसे हैं ना, तो उनसे अगर बन गया तो ठीक है, नहीं कि अगले महीने ही बनेगा। तो अब करते हैं जी आपसे वो जरूरी बात। तो क्या हो सकती है आप मुझे बताएंगी पहले? मेरे तो सोचो गुमान में भी नहीं है वो कौन सी बात है, तो आप मुझे बता दो कौन सी बात है। आप बताएं, मैंने नहीं बताना। मुझे नहीं पता कौन वो बात है जिसके पीछे पूरा जमाना लगा हुआ है। वो बात है कि जिसके पीछे पूरा जमाना लगा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, मुझे क्या पता कौन सी बात है। बहुत सी बातें हैं जिनके पीछे जी ये काम हो ये काम हो। हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। पक्की बात? सच्ची बात? अल्लाह जी, अब पता हो तो फिर कहो ना। तो मैं अभी बताता हूँ जी कौन सी बात। इधर आए उधर क्या देखते हैं। तो वो है जी बात शादी वाली बात। अच्छा, आज की वही बात आ गई। ये बात घूम फिर के उसी बात पे फिर से। नहीं, घूम फिर के सुई वहाँ पे आती। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। तो जी हम आपको तो शायद मैंने नहीं बताया वो इस बारे में। नहीं, इसीलिए तो मैं और बातें कर। मुझे पता है, अगर ऐसी बात हो तो मुझे पहले बता दिया करे। अच्छा, शादी वाली जो बात है ना, अब उसको मैं करने लगा हूँ अब क्लोज। उसको क्लोज करने लगा हूँ। कैसे? शादी वाली बात को कैसे क्लोज करने लगे? जैसे बातें खत्म होती हैं वैसे खत्म करने जा रहे हैं वो कहानी भी। वो अच्छा। हम कहानी भी खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। कैसे कहानी खत्म करनी है? मुझे भी तो बताए ना। वो कहानी ही हम खत्म करने जा रहे हैं जो आप कहते हैं ना कि शादी शादी शादी। फिर भी नहीं। हाँ? वो खत्म है कहानी। कैसे? खत्म कैसे? हाँ? आप ये बाहर से तो खड़ी है ठीक। अंदर से ये जो है इसके अब नहीं, सब कुछ हिल गया हुआ है अपनी जगह से। नहीं, सच में अब देखिए कि अब कोई बंदा कहे कि खत्म होने में, मुझे अब मैं सोचूंगी मैं क्या अब कैसे खत्म होनी है। बताता हूँ, फिर से हंस रहे हैं। अच्छा, जो बात ये है मैं आपको भी अभी बताने जा रहा हूँ कि जो शादी 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 कब से शादी शादी चल रही है। तो शादी तो हमने करनी है, क्यों नहीं करनी? ऐसे ही ना, ये नहीं करनी, बताएं मुझे करनी है क्यों नहीं करनी। तो आगे, हाँ, अब सीरियस आते हैं, इस बात को संजीदा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि इतनी मजाक वाली बात नहीं है, ये संजीदा बात है, तो हम संजीदा ही लेंगे। उससे पहले इधर बनाना है एक कमरा इस जगह। अच्छा। और वो कमरा होना है सिर्फ और सिर्फ आपका। जो ये कमरा बनाया हुआ है ये ना आपका है ना मेरा है। हंस रही है ऐसे, आप संजीदा हो जाएं। ना आपका ना मेरा। तो किसका? ये है वालदैन का, इसमें उन्होंने होना है। अच्छा जी, उनका। हाँ जी, ये उनका है, इसमें उनकी रिहाइश है। तो इधर इस जगह एक कमरा बनाना है और उसमें उसके बाद फिर जो है ना इंशाल्लाह से हमने करनी है प्रॉपर। क्या करनी है? क्या करनी है? हाँ, उसके बाद फिर करनी है प्रॉपर शादी।
प्रॉपर क्या, प्रॉपर का क्या मतलब होता है? प्रॉपर शादी मतलब अच्छे तरीके से। अच्छा, और ये कमरा जो है ना वो एक गार्डर वाला बनवाना? कमरा एक गार्डर वाला ही बनवाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना, हमारे इस नक्शे के मुताबिक इस जगह एक कमरे वाला ही बनना है, फिर इसके आगे एक जो है ना हमारा लंबा कमरा बनना है। हाँ जी। अब अच्छा, तो एक कमरा बनेगा तो वो छोटा सा कमरा नहीं होगा? छोटा सा जो भी होगा बस एक दफा, क्योंकि हमारे पास ना बजट का मसला होता है कि इसी यूट्यूब से ही पैसे कमाने होते हैं और इधर ही लगाने होते हैं। अब जरा संजीदा लेते हो बात का। आना मुझे शैतान दे रहा है उंगली। अब आपने ना साहब ने दुआ करनी है, यकीनन मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, मैं भी कहता हूँ कि जल्दी से ये काम जो है ना हम करें, अगर आपको दिल की बात करूँ, लेकिन कुछ उसमें ना इश्यू होते हैं। ये बात आप मुझे बता देते पहले। यही बात है, मुझे पहले तो बता, इधर बता दी तो कौन सा कोई नुकसान नहीं। चले मुझे भी बता देते कि आपको है जल्दी। हाँ? अच्छा, तो अब आपने दुआ करनी है कि जो है ना हम जल्दी से कमरा बनाएं, ताकि जो है ना एक जिंदगी में तब्दीली ले आए। यकीनन आप ही यकीनन कहते हैं, सो कभी इग्नोर नहीं किया, लेट हो जाती है इस बात को, लेट तो बड़ी हुई है लेकिन इग्नोर अब तक नहीं किया। मुझे आपकी जगह गलती सच में, ये इतने सीरियस, ये इतना सीरियस हो के बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे रो रहे हैं। मैंने नहीं बनानी वीडियो, आ जाए छोड़ें। इनकी आंखें देखे, इनकी आंखें देखे। अपनी आंखें दिखाओ, दिखाओ आगे कैमरा करो, ऐसे लग रहा है जैसे रो रहे हैं। हाँ वो तो है, मुझे भी फील हो रहा है सच में। क्यों रो रहे हैं आप? बस फिर कुछ होते हैं क्या? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ ना कि हमने पैसे इसी प्लेटफॉर्म से कमाने और इधर लगाने, तो फिर इसलिए डिले हो जाती है, मतलब लेट। चले आप, आ, 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 आप इतना सैड क्यों होंगे? नहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे रो रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं। ये हमसे अन बना रहे हैं इस कमरे का, थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है, बाकी इधर जितनी भी थी ना हमने इसको फैला दिया हुआ है। आपको मैं एक बात बताऊं? मेरा दिल पता है क्या है, कैसा घर हो। मैं कहती हूँ दिल में ही रहे तो अच्छा है, दिल से ना निकालो फिर भी बताएं तो सही। कहते हैं मुंह से बात निकाल के पराई हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मुंह से बात निकालें तो वो हमारी जो है ना पूरी हो जाती है। मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा भी ना हो, पूरी ना हो। बताएं तो सही, बता तो दें। चलो फिर कभी बताऊंगी, आज नहीं फिर कभी। फिर भी, फिर भी मेरा दिल ये था वहाँ पे कमरा हो, उसके साथ अटैच वॉशरूम हो, और उसके साथ फिर आगे कमरा हो, और फिर साथ में किचन हो, और फिर जो दरमियान वाली जगह बच जाएगी उसके ऊपर फिर बरामदा बनेगा। नहीं हमारा डिजाइन तो इसी तरह से है, एक कमरा फिर आगे वॉशरूम, फिर कमरा किचन भी बनवाना है, फिर आगे एक उधर वॉशरूम उस मोटर पंप के साथ, जो कि हमने अभी बनाना है, क्योंकि इधर वाला वॉशरूम मुझे नहीं पता कब बनेगा, तो फिर हमने चूंकि इधर आपने आना भी है ना, कब बनेगा अल्लाह बेहतर करने वाला होता है। अच्छा तो मुझे आज किचन का फाइनल करें। किचन भी बनाना है, बनाना क्यों नहीं है, हमने कोई खाना पीना नहीं है। खूबसूरत किचन हो, खूबसूरत भी बनाएंगे, लेकिन जो गांव वाले किचन होते हैं ना उन से बाढ़ की खूबसूरती मेरे ख्याल में नहीं होती। नहीं होती है उस तरह का किचन भी, लेकिन वो वाला किचन भी जिसमें सिलेंडर रखें और फिर उसमें शेल्फ वगैरह बनवाएं, उसमें अलमारियां वगैरह बनवाएं, वो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे रिस्क में इतनी बरकत डाले। मेरे दिल की ये ख्वाहिश हो कि मेरा खूबसूरत, मैं कह रहा था अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इतनी ज्यादा बरकत डाले कि हम अपनी सब ख्वाहिशात पूरी कर लें। पाक साहब के रिस्क में बरकत डाले, क्यों नहीं, अल्लाह पाक की जो जात है वो देने वाली है, और अल्लाह पाक साहब को दे। और हम बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक ने हम पे इतना करम किया है, इतना रहम किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर एक कमरा बन गया है, तो सो हमें लगता है कि हमारा घर जो है कम्प्लीट। ये गेट लगने से तो मुझे ऐसे लगता है ना जैसे हमने अपनी मंजिल पा ली। हाँ जी, जिस दिन गेट लगा था ना मैं सच में इतना ज्यादा खुश थी ना, मैं बता ही नहीं सकती थी। ये घर बनाना, इधर मेरी ख्वाहिशात तब पैदा हुई थी जब आपने मुझे एक बात की थी ना, बाद में बताएंगी क्योंकि अभी मैंने नहीं बता पानी, मुझे पता है। हाँ अच्छा। वो भी आपको जरूर बताएंगे।
फिर वो ही बात। ये है सैड और मेरे सर पे है शैतान सवार, यकीन ऐसा वैसा कुछ नहीं पता कि यार मेरे सर पे शैतान क्यों सवार है। मैंने खाना खाया है, इन्होंने खाया हुआ है कट्टे का गोश्त, तो इसलिए ये जो है ना आज कुछ ज्यादा ही हंस रही है क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा असल में एनर्जी आई हुई है। मैंने खाई है दो हड्डियाँ, वो जो चूसने वाली होती हैं। अच्छा, बड़ी अच्छा, मजे अच्छा। से बैठ के इन्होंने कहा कि जी आए वीडियो बनाए। मैंने कहा क्या मैं अब हड्डियाँ अपनी छोड़ दूं, जो शौक से हड्डी को चूसते हैं उसको मजे से बैठ के खाते। मैंने दो हड्डियाँ मजे से। असल में ना ये मैं आपको बताऊं पता है क्यों खुश है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि हमने आन करीब जो है ना अपनी जिंदगी में ना एक चेंजिंग लानी, उस वजह से ये आप खुश करी, ये हकीकत है। बाकी कुछ भी कहें तो वो झूठ होगा। ये हकीकत नहीं, और ये YouTube पे पहली मरतबा होगा कि हम आके जो है ना बाद में मतलब अपनी YouTube की पहली जिंदगी भी हमने शेयर की, और सॉरी अपनी बगैर शादी वाली जिंदगी और फिर शादी वाली जिंदगी भी शेयर नहीं, करेंगे। मैं कभी कभी खुश होती हूँ, और जिस दिन मैं खुश हो जाती हूँ ना फिर उस दिन शाम को या तो रोती हूँ या फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। चलो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आज आपको खुश ही रखे, कम अज कम जो शाम है वो तो खुश ही रहे क्योंकि शाम आपकी बुरी होती है। आमीन। अच्छा तो सूरज ग्रूब होने वाला है, हंसियां शंसियां हमारियां रुक चुकी हैं, हमारियां नहीं हमारी असल में दो हैं तो फिर मुंह से निकल जाती है ना बात। तो खैर आज के व्लॉग को हम यही पे करते हैं, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें तो हमें याद रखना। मैंने जेब में हाथ ऐसे डाला हुआ है जैसे कि ऊपर से कैर की सर्दी पड़ रही हो। तो अल्लाह अल्लाह हाफिज़ कहना भूल जाती हैं आप, क्या करूं मैं आपको क्या क्या याद दिलाऊं। नहीं 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 भूलती नहीं हूं जी, मैं कैसे भूल सकती हूं, ये तो मेरी जान है, ऐसे कि इसको कैसे भूल जाऊं। किसको अल्लाह हाफिज करना, मतलब ये तो मेरी जान है, मतलब अल्लाह हाफिज कहना। हाँ जी। अच्छा।